हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रिव्यू, जो कि है वाओ का एलोवेरा पील ऑफ मास्क। इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। मैंने कोई भी पील ऑफ मास्क जो कि एलोवेरा का हो नहीं देखा। मार्केट में बहुत सारे पील ऑफ अवेलेबल हैं, बट कोई भी एलोवेरा का पील ऑफ मास्क नहीं है। सारे एलोवेरा जेल हैं। सो इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। सो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू नो टू गेट अ एलोवेरा प्लांट। अगर आपको एलोवेरा प्लांट मिल भी जाता है तो उसको मेंटेन करना ड्यू टू वेदर कंडीशंस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही आइडल ऑप्शन था। सो लेट्स टॉक अबाउट पैकेजिंग। सो जो पैकेजिंग है वो एक प्लास्टिक ट्यूब बॉटल में आती है। एक वेरियंट है 100 ml का, जिसकी कॉस्ट है 349 rupees। ये जो प्लास्टिक बॉटल है इसके ऊपर एक आउटर कवरेज भी रहती है, जो कि ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स है। बट क्योंकि मैं इसको एक महीने से यूज़ कर रही हूँ तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स कहाँ गया आई डोंट नो। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। सो इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो क्योंकि ये एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क है तो इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हाइलोरोनिक एसिड और विटामिन B5। एंड ये क्या क्लेम करता है, ये कहता है कि इट प्योरीफाइज, एक्सफोलिएट, मॉइस्चराइज एंड ब्राइटन्स। एंड ऑल्सो इट क्लेम्स दैट इट हैज़ नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट एंड नो कलर। एंड गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में ये अवेलेबल रहेगा। आप वाओ की वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ मिल जाएगा। अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मैंने ये प्रोडक्ट नायका से लिया है तो नायका पे अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो आपके ड्रग स्टोर्स है ये उनमें भी अवेलेबल है। बट फिर भी मैं जितने भी लिंक है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है या आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको मंगवा सकते हैं। तो अब हम इसके टेक्सचर की बात करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। तो इसका जो टेक्सचर है ये बिल्कुल एलोवेरा के जेल जैसा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा स्टिकी है, सेम वैसा ही है जैसा कि आपका एलोवेरा जेल होता है। नाउ आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमो हाउ टू अप्लाई दिस, इसको कैसे लगाना है, इसको कैसे रिमूव करना है, कितनी देर तक रहना है। तो लेट्स फॉलो। करता है, एक्सफोलिएट करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड ब्राइटन्स करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। तो एक्सफोलिएट डेफिनेटली, अगर आप ये पील ऑफ है तो अगर आप कोई भी पील ऑफ अपनी स्किन से रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है, क्योंकि उसकी फर्स्ट लेयर जो है डेड स्किन जो चली जाती है, फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन रिमूव हो जाती है, तो डेफिनेटली एक्सफोलिएट तो करता ही है। ब्राइटन बिकॉज यस फॉर द सेम रीज़न कि आपकी फर्स्ट लेयर या डेड स्किन जो है वो स्किन की चली गई है तो डेफिनेटली आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइटन हो जाएगी। अबाउट मॉइस्चराइजिंग एंड प्योरीफाइंग दैट आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि आई डोंट थिंक आई हैव एनी टूल टू मेजर दैट वेदर माई स्किन हैज़ प्योरीफाइड और यू नो इट हैज़ मॉइस्चराइज और नॉट। बट या डेफिनेटली इट इज़ नॉट रफ ऑन योर स्किन। सो बट इफ यू आस्क मी वेदर आई विल बाय दिस अगेन और नॉट, इट्स एन 100 ml बॉटल, 349 rupees। डेफिनेटली इफ यू आस्क मी आई विल नॉट गोइंग टू बाय दिस अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं खरीदूंगी। रीज़न बींग कि ये जो टाइप के रिजल्ट्स आपको देता है इट डज़ नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट। तो मैं इसको डेफिनेटली दोबारा तो खरीदने नहीं जाऊँगी। आई विल प्रिफर कि मैं नेचुरली जो अवेलेबल प्लांट है
उससे एलोवेरा जेल निकाल के लगा लूँ, आई थिंक दैट विल गिव द सेम रिजल्ट और आई थिंक द बेटर रिजल्ट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. कोई ख़राब प्रोडक्ट नहीं है, द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. ये जिस टाइप का रिजल्ट आपको दे रहा है वो नॉर्मल आप किसी 80-90 रुपीज़ के पील से भी आपको मिल जाएगा. आई होप यू हैव लाइक दिस स्मॉल रिव्यू ऑफ माइन. इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.